भारत और श्रीलंका के बीच यात्री जहाज सेवा की शुरुआत 10 अक्टूबर से होने जा रही है और ये यात्री जहाज सेवा तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के जाफना के बीच शुरू होने जा रही है। इस जहाज सेवा की शुरुआत को लेकर के दोनों देशों के जहाज यात्री काफी ज्यादा खुश हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका के बीच बहुप्रतीक्षित यात्री जहाज सेवा 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इस योजना पर पहली बार विचार किए जाने और दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के लगभग 12 साल बाद इस सेवा की शुरुआत हो रही है। यात्री जहाज सेवा तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के जाफना में कांकेसनथुराई के बीच शुरू होगी और इसमें लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து கப்பல் போக்குவரத்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இலங்கைக்கு. மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், நாகப்பட்டினம் மக்கள் எல்லாருமே மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் வந்து இலங்கைக்கு போகும்போது வந்து கப்பலில் வந்து போகிற வழியில் வேளாங்கண்ணி, வேதாரண்யம், கோடியாக்கரை எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டு பார்த்துட்டே வரலாம். மீன் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாம். 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கப்பல் வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. இப்போ தான் புதுசாக வந்து இலங்கைக்கு வந்து கப்பல் விடுறாங்க. यात्री जहाज सेवा का दूसरा ट्रायल रन रविवार को शुरू हुआ। कैप्टन बीजू पी जॉर्ज और जहाज के 14 कर्मचारी उस चालक दल का हिस्सा बने जो नागापट्टिनम से श्रीलंका के कांकेसनथुराई तक गया। नागापट्टिनम से जाफना तक एक तरफ का किराया लगभग 7,600 रुपए होने की उम्मीद है।